हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइज, आज मैंने क्रिएट किया है ये बहुत ही प्रिटी सिंपल एंड सोबर लुक, जो कि मैंने क्रिएट किया है ब्रश के फेस ब्रशेस से एंड मैंने ऑर्डर किया है नायका से। मुझे तो ये लुक क्रिएट करने में बहुत ही मज़ा आया, चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि अपडेट्स वगैरह आपको मिलता रहे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं हेयर बैंड लगा रही हूँ ताकि बाल फेस पे ना आए। ये है हमारा प्रोडक्ट, कुछ इस तरीके से पैकेजिंग इसका दिखने को मिलता है एंड इसके अंदर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। पैकेजिंग की बात करूँ, मुझे बहुत ही प्यारा पैकेजिंग लगा। ये रहा हमारा ब्रश, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अभी मैं फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, ये है माई ग्लैम का फाउंडेशन एंड अभी जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फ्लैट ब्रश, जो कि फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए होता है। ब्रशेस का जो नंबर है वो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा, सो आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो। ये जो ब्रशेस है ये काफ़ी सॉफ्ट है, ये ब्रश मुझे सॉफ्ट लगा लेकिन ये स्ट्रोक छोड़ता है जैसे कि आप देख सकते हो। पहले मैं इससे फाउंडेशन फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन ब्रश, इसका भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिखने को मिल जा रहा होगा एंड इसको मैं डैब डैब करके अप्लाई कर रही हूँ एंड वाओ, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रहा है, कोई भी स्ट्रोक नहीं छोड़ता है। बहुत ही अच्छा ब्रश है, मैं तो बोलूँगी आप अगर सिंगल फाउंडेशन ब्रश लेना चाहते हो तो ये ब्रश ज़रूर लेना, बहुत ही अच्छा ब्रश है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप देख सकते हो मेरा जो बेस है कितना फ्लॉलेस बना है। अभी मैं इनसाइड का ये कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैं ले रही हूँ कॉन्टोर ब्रश। ये ब्रश भी मुझे अच्छा लगा लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड लगा मुझे अप्लाई करते टाइम, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था। अप्लाई तो काफ़ी अच्छे से हो रहा था, प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा ब्लेंड कर रहा था। थोड़ा मैं फोरहेड पे भी अप्लाई करूँगी एंड जॉ लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। ये ब्रश मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है लेकिन वही चीज़ थोड़ा सा हार्ड है जिस वजह से अप्लाई करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फील हुआ है। तो आप देख सकते हो ब्लेंड बहुत ही अच्छे से किया है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का ब्लश, बहुत ही प्रिटी ब्लश है, कलर भी बहुत प्यारा है। जो ब्रश मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा फ्लफी ब्रश है एंड बहुत इजीली अप्लाई होता है। बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत अच्छे से भी ब्लेंड हो रहा है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। ब्रश के जो ब्रश अभी तक मैंने यूज़ किया है उनमें से कॉन्टोर ब्रश मुझे थोड़ा हार्ड लगा, बाकी तीनों ब्रश मुझे अभी तक बहुत ही पसंद आया। फ्लफी ब्रश जो है वो सारे बहुत सॉफ्ट है, इवन फाउंडेशन ब्रश भी बहुत सॉफ्ट है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, ये भी माई ग्लैम का कॉम्पैक्ट पाउडर है एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड इसके लिए मैंने लिया है ये फ्लफी ब्रश। वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जितने ब्रश मैंने अभी तक यूज़ किया है
सब में से ज़्यादा सॉफ्ट मुझे ये ब्रश लगा है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है, सारे ब्रशेस प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देता है। अभी मैं माई ग्लैम का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये हाइलाइटर मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने फाउंडेशन ब्रश लिया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने जो हाइलाइटर है उसको ब्लेंड कर दिया है। बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। एंड लास्टली मैं यूज़ कर रही हूँ रहने का ये लिप टिंट, रेड शेड में है एंड ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैट है, ट्रांसफर प्रूफ है। आइज पे मैं थोड़ा ब्लश यूज़ कर रही हूँ, सेम कलर जो चीक पे अप्लाई किया था। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो बेस बहुत ही फ्लॉलेस बना है, ब्रशेस बहुत ही अच्छे हैं। ब्रश के ब्रशेस मैंने सुना था अच्छे होते हैं एंड सही में ये बहुत ही अच्छे ब्रशेस हैं। आप चाहो तो डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये लुक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा प्रोडक्ट का, आप चेक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।